आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप जरूर फैमिली के साथ वैकेशन के लिए लोकेशन सर्च कर रहे होंगे, और अगर आपकी प्रायोरिटी शांत सुंदर वादियां हैं, आपको कश्मीर की तरह शिकारा बोट में नौका विहार करना है या ढेर सारी एडवेंचर एक्टिविटीज का लुत्फ उठाना है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। लगभग 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह जगह आज भी भीड़भाड़ से बची हुई है। यहाँ आप वीकेंड या लॉन्ग वैकेशंस एंजॉय कर सकते हैं। माना कि यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या कम जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ अन्य हिल स्टेशन के मुकाबले कम सुख सुविधा मिलेगी। यहाँ मौसम साल भर खुशनुमा बना रहता है और हर मौसम का अंदाज निराला है, इसलिए आप यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं। ये खूबसूरत जगह है नौकुचिया ताल। एकदम शांत, मंत्रमुग्ध कर देने वाला सौंदर्य, जहां आपका मन भटकना बंद कर दे, वो जगह जहां आपको माइंडफुलनेस का एहसास होने लगे, वो है नौकुचिया ताल। दूर जहां तक आपकी नजर पहुंच रही है वो है इस नौ कोनों वाली नौकुचिया ताल का सिर्फ एक कोना। नौकुचिया ताल पहुंचने के लिए आपको हल्द्वानी काठगोदाम होते हुए भीमताल पहुंचना होगा। हल्द्वानी से भीमताल 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। भीमताल से नौकुचिया ताल की 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रास्ते में आपको पहाड़ों के सुंदर नजारे देखने को मिलेंगे, जिससे आप नौकुचिया ताल की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं। थ्रू आउट ऑन द वे आपको ठहरने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे, होटल्स, होम स्टेज, वुडन हट्स, रेस्ट हाउसेज। आप चाहें तो झील के पास या फिर वॉकिंग डिस्टेंस पर अपनी रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग एकोमोडेशन ले सकते हैं। खास अंदाज में पहाड़ों का आनंद लेना हो तो माउंटेन बाइक स्कूटी रेंट पर मिल जाती है। ये है मौनी बाई का भव्य भक्ति आश्रम। मौनी माई नीम करौली बाबा की शिष्या थी जो आजीवन मौन रही। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु साधना करने आते हैं। भक्ति धाम हनुमान मंदिर नौकुचिया ताल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से नौकुचिया ताल झील मात्र आधा किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। आम पर्यटक स्थलों से बिल्कुल अलग है यह जगह, जहां कोलाहल का नामो निशान तक नहीं, माल रोड जैसी मार्केट नहीं। मंदिर की घंटियों की आवाज, ठंडी ठंडी हवा के झोंके, पक्षियों की चहचहाहट और चाय की चुस्कियां आपकी सुबह को यादगार बना देंगी। दिन भर यहाँ की खूबसूरत वादियों में एडवेंचर एक्टिविटीज का आनंद लीजिए, और फिर जब थकान मिटानी हो या फैमिली टाइम स्पेंड करना हो तो शिकारा बोट का लुत्फ उठाइए। मी टाइम चाहिए तो झील के आसपास ब्यूटीफुल कैफेटेरिया या रेस्टोरों में बैठकर पहाड़ी गाने सुनिए। हाँ, कुछ दुकानें हैं जहां से आप फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए यहाँ की खूबसूरत कैंडल्स, पाइन वुड पाइन कोन पर बने डेकोरेटिव आर्टिफैक्ट्स और क्वालिटी वुडन आइटम्स परचेज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको स्टे के लिए अल्टीमेट लोकेशन की तलाश है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कुमाऊं मंडल विकास निगम का टूरिस्ट रेस्ट हाउस। एक्टिविटीज मैन यहाँ पे जिपलाइन में रहता है आपका, ओनली वायर पे स्लाइडिंग रहता है, जॉर्विंग बॉल में रहता है आपको, उसके अंदर भागना होता है, जितना आप उसके अंदर रन करोगे उतना आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट रहता है आपका कैकिंग, कैकिंग आपको सेल्फ बोर्ड रहता है, उसमें आपको खुद चलाना है। पैराग्लाइडिंग जो होता है उसमें आपका एक पायलट रहेगा साथ में, प्लस आप रहेंगे। अब कोई भी एडवेंचर या कोई भी एक्टिविटीज़ है ये 12 महीने ये एक्टिविटीज आपको मिल जाएगी। इसके अंदर रखना है, इसके अंदर चलते हुए आपने वायर नहीं छूना है, जब तक आप रनिंग में रहेंगे वायर नहीं छूना है आपको, ठीक है। नीचे बैठे लेग फ्री कीजिए दोनों, रेडी।
आप ट्रैकिंग करवाते? ट्रैकिंग करवाते हैं वहाँ से, क्या रहेगा वहाँ से आपको पूरा लेक भी दिखेगा, एक हेलीपैड भी बन रहा है वहाँ से पूरा नाइन कोना लेक दिखेगा आपको। थोड़ा उससे ऊपर और चलेंगे तो वहाँ पे जंगली जानवर वगैरह, पक्षी वगैरह, अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग तरीके से उन तरीके से आएगा। ऊपर मंदिर भी एक गुफा वाला शिव जी का मंदिर है जहाँ से हरिद्वार पूरी गुफा निकली हुई है। तो क्या इंडिविजुअल कराते हैं या ग्रुप में कराते हैं? ग्रुप भी, मैं 3 डे 1 पर्सन। कमलताल, जो कि इस वक्त कमल के खूबसूरत पत्तों से ढका है, मई के आते आते पूरी झील कमल के फूलों से गुलजार हो जाती है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। छोटे बच्चों के साथ यह जगह शाम बिताने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। बच्चों को खेलने के लिए, अपनी कल्पना की उड़ान भरने के लिए और प्रकृति से जुड़ने के लिए पार्क मिल जाएगा, तो वहीं बाकी लोगों को चाय की चुस्कियों के साथ टीवी और मोबाइल की दुनिया से निकलकर आपस में क्वालिटी टाइम बिताने के पल मिल जाएंगे।